वासिस, आपको इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आपको बहुत दिन हो गए, मैं सोच रहा हूँ, मुझे कोई मेरे फ्रेंड पूछा था कि मोबाइल स्लो क्यों हो जाती है। मोबाइल यूज़ मैं लेटेस्ट मोबाइल लिया था 6 महीने के अंदर, प्लस स्लो हो जा रहा है, मेरे बैटरी चार्जिंग खत्म हो जा रहा है, इस टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम आपको भी होगा। तो आज का लेसन वही है, किस टाइप का प्रॉब्लम होता है, क्यों होती है मोबाइल के अंदर इतना स्लो क्यों। पहले आप लेटेस्ट मॉडल लेके आए, 15,000 होने दो, 20,000 होने, अब लेके तो आए, बट आपको 6 महीने के अंदर आपकी इतना स्लो हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर एक फ़ोन लेना का आप सोच रहे हो, क्योंकि फोन तो चल रहा है नहीं बराबर, आपको बैटरी का प्रॉब्लम है, फ़ोन का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सीधा सा बात बोलो, क्यों हो रहा है आप जानना चाहिए पहले। मुझे मेरा फ्रेंड पूछा कि क्यों मेरा मोबाइल स्लो हो जा रहा। मैं तो पोको F1 लाया था, ऐसा कुछ फ़ोन लाया था, वो ब्रांडिंग का ही नहीं कर रहा हूँ, आया था, तो मैं स्लो क्यों हो जा रहा है, मैं सीधा बात बोला आपको, उनको बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, इस वीडियो उसको भी बताया नहीं बराबर, इस वीडियो से ही बताएगा कि मोबाइल ब्रांडिंग, जो मोबाइल लेते हो उसमें क्या होता है ना, पहले तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, आपके सपोज़ आपके फ़ोन में 100 एप्लीकेशन तो बराबर ही होगा, 100 एप्लीकेशन जो आपको यूज ही नहीं है वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके रखते हो मोबाइल के अंदर। उसके लिए आपकी पावर कंजेस्ट होती है, आपकी बैटरी यूज होती है, आप यूज़ करो या ना करो वो यूज़ लेगा, उसकी आपको जो मोबाइल की कंजेस्ट आप वो लेगा। पहले आप मोबाइल लाते थे उसके अंदर फोटो वीडियोस एक्सेट्रा आप गूगल में बहुत सारा सर्चिंग करते हैं, वो सर्चिंग की जो हिस्ट्री है आपकी फ़ोन में अटैच होकर रहती है। पहले के एप्लीकेशन बहुत सारे रखते हैं, उसमें क्या आता है ना, एप्लीकेशन बनाने वाले आपका पुराना मॉडल फ़ोन यूज देख के बनाते नहीं है, वो डेवलपर हैं, वो पहले नया वर्जन को लेके जो आगे आने वाला है वो वर्जन देख के बनाते हैं। तो आपकी एक्चुअली बैटरी जाएगा, डाटा जाएगा, मोबाइल जो आपकी पुराना मोबाइल है उसमें नई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नया वर्जन की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तो आपकी मोबाइल स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है 1 MB है तो वो 100 MB देगा, तो आप थोड़ा सा स्लो होगा। इतना भी मेरा 4GB है बोलते हैं, मेरा 4GB रैम है, मेरा 6GB है, 20 GB कितना भी होने दीजिए, बस एप्लीकेशन आपके मोबाइल के नहीं है, वो न्यू वर्जन के लिए मोबाइल के है। वो तो आईफोन क्या कर रहा है मालूम है, सॉफ्टवेयर अपडेट देके उसका जो 6S, 6 एंड 5S AC मॉडल उस सॉफ्टवेयर अपडेट देके उसको स्लो कर दे रहा है, गवर्नमेंट भी उसे प्रूफ दे चुका है एक बार। तो आईफोन कैसे स्लो करके उसका जो नया मॉडल आ रहा है, जो नया मॉडल उसको लेने के लिए आप प्रोवाइड करते हैं। आप आईफोन को भी पता है, आप आईफोन यूज़ करने के बाद किसी भी ब्रांड को आप यूज़ नहीं करोगे, तो आईफोन को भी बराबर पता है, इसलिए उसका ब्रांड को उसका जो कम रेट का मोबाइल है उसको सॉफ्टवेयर अपडेट दे के उसमें स्लो कर दे रहा है। आपको स्लो ये अच्छा नहीं है, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी हम चेंज करेंगे मोबाइल, तो आईफोन का कंसिडर करके नया फ़ोन। तो ये ऐसे 6S में हो तो स्लो हो जा रहा है, तो आईफोन 11X लेंगे, 11 Pro लेंगे, तो आईफोन का प्रॉफिट है। इसलिए पूरा मोबाइल कंपनी सेम है, मैन्युफैक्चर भी सेम है, सब कुछ आप मैन्युफैक्चर का काम है, सॉफ्टवेयर अपडेट देके आपका एंड्रॉइड फोन भी सेम हो जा रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट देके। तो नया फ़ोन के लिए सॉफ्टवेयर है, वो पुराने फ़ोन में अपडेट देता तो कंपलसरी स्लो होता, आपकी मोबाइल स्लो होगी, हैंग होगी, आप सोच से रह जाओगे मेरा मोबाइल क्यों हैंग हो रहा है। इसलिए पूरा ऐसा आपका चैन है, जो राउंड सीरीज है चैन है, आपको आप मोबाइल लोगे 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना में स्लो होगा, आप कुछ स्लो मोबाइल हैंग मोबाइल को यूज करोगे 1 साल तक, 1 साल के बाद सोचोगे 6 महीना हो गया मैं यूज फोन को हैंग हो रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ नया फ़ोन लूँगा, इस टाइप का आप सोचते हैं, उन लोग वैसा बना के देते फ़ोन बोल के आप यूज़ करते हैं मालूम है। तो जो कंपनी है, जो ब्रांडिंग कंपनी है, जो आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको पूरा पता है 1 साल के 2 साल के अंदर आप मोबाइल चेंज करोगे, इसलिए ऐसा कुछ चेन बना दिया है, ऐसा कुछ रूल्स बना दिए हैं, आप कंपलसरी फॉलो करोगे उसको। और एक बात है आपको, क्या आपका मोबाइल पहले लाने का टाइम आपकी हार्ड डिस्क, आपकी मेमोरी, आपकी जो फ़ोन की वैल्यू, ऐसा क्या है, गूगल में बहुत सारे सर्चिंग करते हैं आप लोग, इसलिए वो सर्चिंग में हिस्ट्री पूरा आपके मोबाइल के अंदर एडिट हो जा रहा है। तो पहले तो क्या आपके ऊपर आपने रखे तो बैटरी भी चार्जिंग से खत्म होता, जो गूगल की हिस्ट्री ले रहा है उसके लिए भी स्लो होती है, आपके पुराने फोटो बहुत सारे फोटो होते हैं, तो आपकी स्टोरेज है 64 GB, आप मोबाइल में अटैच है आपकी 64 GB, आप स्टोरेज भर लेते हैं आपको कितना 60 तक, आप 60 तो बराबर नहीं आता आपको, 50 GB तक आपको फोटोज वीडियोज बना के आपको यूज़ कर लेते हैं उसमें। आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, गूगल में आपको 2 GB 4 GB सब ऑनलाइन रख दीजिए, आपके वीडियोज फोटो को ऑनलाइन कर दीजिए जो भी है, नहीं तो आप पेन ड्राइव लेके यूज़ कर सकते हैं उसमें, तो मोबाइल उसमें से थोड़ा 30% आपको स्लो नहीं होगा। और सेकंड क्या, जो एप्लीकेशन आपको जो यूज़ करते हैं उस टाइप का एप्लीकेशन एक बार कीजिए, A to Z पर एप्लीकेशन देखिए जो आपको यूजफुल है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, दूसरे एप्लीकेशन को ऑनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन रहेगा तो आपकी मोबाइल स्लो होगी,
और आपकी डाटा लूज होगी और आपकी जो बैटरी चार्जिंग है, बैटरी चार्जिंग ख़राब होगी, आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। और एक बात है आपकी, 90% के बाद चार्जिंग मत लगाइए, थोड़ा देखिए, आप रात भर मोबाइल चार्जिंग लगा तो आपकी बैटरी चार्जिंग पूरा जाएगी, वेस्ट हो जाएगी आपकी बैटरी। आपको 6 महीने के अंदर बैटरी चेंज कराना पड़ता है, उसके बाद वो बैटरी परफेक्ट नहीं होगी, इसलिए आपको 90% तक चार्जिंग लगाना है। ओके, इस टाइप का टिप्स। अब देखिए, आपको जो एप्लीकेशन चाहिए उसको इंस्टॉल कीजिए, जो एप्लीकेशन आपको नहीं होना उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और जाइए गूगल सर्च कर रहे हैं तो आपकी जो गूगल सर्च को हिस्ट्री डिलीट कीजिए, और आपकी जो फ़ोन की स्टोरेज है, स्टोरेज में जो जो फोटो आपको चाहिए वो फ़ोटो रखिए, और जो फोटो नहीं चाहिए तो आप गूगल में जो रख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं उसको। इस टाइप का करना मैं और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, अभी सेशन को स्टार्ट कीजिए, आपको मोबाइल स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं होगा इसलिए। और अपडेट सर, आईफोन जो यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहिए अपडेट मत कीजिए, एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो अपडेट मत कीजिए, अपडेट ना करने से आपकी फ़ोन जो नया वाला जैसा वर्जन था वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। थैंक यू। तो इस टाइप का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू ऑल ओवर। तो मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस टाइप का जो, अब सपोज देखिए आप क्या होता ना, आपकी फ़ोन जैसा है, कैमरा जैसा है, कैमरा का ट्रिक्स क्या है, आपके कैमरा के ऊपर थोड़ा मतलब क्लीन करते करके करने के बाद फ़ोटो खींचिए। ओके,